जी तो व्यूअर्स, दिल थाम के बैठिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100% डीसी इन्वर्टर एसी, वो भी ओनली कूल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाईसेंस का 100% डीसी इन्वर्टर एसी, जो के 75% तक बिजली की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है। जी तो व्यूवर्स, हाईसेंस की बात की जाए तो हाईसेंस एक बहुत ही बड़ा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो के मल्टीनेशनल ब्रांड है। पूरे वर्ल्ड पे इसकी प्रोडक्ट आपको, इसका मोबाइल मिल जाएगा, इसकी एलईडी मिल जाएगी, इसका एसी मिल जाएगा, इसके अलावा इसके डिश वॉशर्स, इसके फ्रंट लोडेड मशीनें, इसकी टॉप माउंटेड मशीन फ्रिज, इसके अलावा इसके आपको फ्लोर स्टैंडिंग मिल जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, हाईसेंस पाकिस्तान में भी अपनी डिफरेंट चीजें लॉन्च कर रहे हैं। इसने अपना एसी लॉन्च किया है, इसने अपनी एलईडी लॉन्च की है, जो के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली एलईडी टीवी है। इसी तरह इन्होंने लास्ट ईयर अपना इन्वर्टर एसी लॉन्च की है, फ्लोर स्टैंडिंग लॉन्च की है, इसके अलावा अपना वाटर डिस्पेंसर देंगे ये आगे नेक्स्ट। ये जो ब्रांड है ये क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। इसके पाकिस्तान में जो इम्पोर्टर हैं, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम है, जो कि ट्राई एंजल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है पाकिस्तान में, जो कि इसकी क्वालिटी को मजीद और ज्यादा बढ़ा देता है। जी तो व्यूअर्स, एसी की बात की जाए तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाईसेंस का 75% तक एनर्जी एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर एसी, जो के ओनली कूल है, जिसमें R32 गैस है। इसमें वैसे दो वेरिएंट आते हैं, एक इसमें हीट एंड कूल है, एक इसमें ओनली कूल है। अगर आप 15-20 हजार अपना बचाना चाह रहे हैं तो ये इसका ओनली कूल एसी लें। आपको आगे चल के इसका जो है कस्टमर रिव्यू भी देते हैं, इसके लास्ट एम्पेयर भी बताते हैं और इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर दें। जी तो व्यूवर्स, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसके आपको फीचर्स बता दूं कि इसमें डिफरेंट फीचर्स क्या है। इसमें R32 गैस है। जी तो व्यूवर्स, इस गैस की क्यों जरूरत पड़ी और क्यों कंपनी ने R410 से R32 गैस की? व्यूवर्स, ये जो गैस है R32, ये एक बहुत ही अच्छी गैस है, जो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली से मुराद क्या कि अगर आपने एसी चलाया हो तो आपका नाक या आपको कंफर्टेबल नहीं होती, बंद हो रहा है। जो R32 गैस है इसमें, ये इको फ्रेंडली है, आपके लिए कंफर्टेबल है, आप जो है ना इसमें ये तंग नहीं होंगे। इसके अलावा इसकी जो कूलिंग है वो सही चिल वाली है। आमतौर पे लोगों को, कस्टमर्स को इन्वर्टर एसी की कूलिंग पसंद नहीं आती, उसकी कूलिंग जो है ना थोड़ी सी स्लो होती है। जो ये जो R410 थी, इसमें जो R32 है, इसकी कूलिंग जो है वो सही चिलिंग वाली कूलिंग होगी। लाइट जाने के बाद भी आपकी जो कूलिंग है ना वो बरकरार रहेगी, ये नहीं होगा कि अंदर गुम्मा हो गया। इसके अलावा जो ये है, इसके जो की फीचर्स है वो आपको खोल के दिखाते हैं, इसकी लुकिंग भी दिखाते हैं। इसका मॉडल नंबर जो है ये वाले एसी का HBG 1800C है। ये ओनली कूल है, इसी में अगर आप हीट एंड कूल लेते हैं वो HBG 1875 है, जो कि 75% तक बिजली की सेविंग देता है। और ये वाला एसी लो एम्पेयर पे भी आ जाता है, वो कस्टमर रिव्यू आपको बताता हूँ और लो एम्पेयर भी दिखाता हूँ कि कितने उसके लो एम्पेयर है। और वो जो है वो इम्पॉसिबल, अगर देखें तो इम्पॉसिबल है, किसी और ब्रांड में नहीं, जस्ट इसमें के जस्ट थोड़ी सी लाइट पे ये चलता है। जी तो व्यूअर्स, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी लुक दिखाते हैं आपको। वाओ, बहुत ही अच्छी पैकिंग है, थर्मापोल शीट भी बहुत अच्छी है, इसके अलावा इसका बॉक्स भी बहुत अच्छा है। तो फिर क्यों ना अच्छा हो, इसको मैन्युफैक्चर ही ट्राई एंजल्स ग्रुप ने किया हुआ है। वाओ जी तो व्यूअर्स, ट्राई एंजल्स ग्रुप एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत ही जाना माना इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है। जी तो व्यूअर्स, इसकी लुकिंग की बात की जाए तो ये देख ही सकते हैं आप, इसकी जो लुकिंग है एक एच डिजाइन में दिया हुआ है इन्होंने प्रॉपर। इसका जो है सुपर वाइट कलर में ये वाला एसी है,
ये देख सकते हैं आप, जरा करीब ला के कैमरामैन भाई दिखाएं जी। तो व्यूअर्स, इसका मुकम्मल रिव्यू आपको देते हैं, इसका आउटडोर भी अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर वाले कंडेंसर भी आपको दिखाते हैं, जो कि इसका जो कंडेंसर है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को जरा थोड़ा सा आगे तक देखें। और एक और चीज है, वो सरप्राइज है, वो कस्टमर रिव्यू है, उसकी वीडियो भी लगाऊंगा और इसके अंपेयर भी आपको लास्ट बताऊंगा। जी तो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग के बाद इसमें कंपनी ने प्रॉपर जो है एक कम्युनिकेशन वायर दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने इसके बिल्कुल साथ ही ये इसका वारंटी कार्ड है, जो कि ट्राई एंजल्स ग्रुप इसकी बहुत ही लॉन्ग टर्म वारंटी दे रहा है। 10 ईयर इसकी कंप्रेसर वारंटी है, 2 ईयर इसकी पीसीबी और प्लस पार्ट्स वारंटी है, जो कि इसकी क्वालिटी को मजीद बेहतर और अच्छा कर देता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे कि ये वाला एसी लेने के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। जी तो व्यूवर्स, इसी तरह ये इसके अलावा ये ड्रेन पाइप दिया हुआ है, ये प्रॉपर इन्होंने ये दूसरी चीज दी हुई है। इसके अलावा इसके रिमोट की बात की जाए तो रिमोट इसका बहुत ही क्वालिटी में अच्छा दिया हुआ है। देखो, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके 4-5 ब्रांडों के रिमोट सेम से, मैं उससे मुराद के किटे जो अंदर से पीसीबी डीसी किटे हैं वो सेम है, लेकिन जो इसका रिमोट है वो बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी में अच्छा और लाइट वाला रिमोट है। कि कस्टमर आम तौर पे दूसरे ब्रांडों पे ये कंप्लेन करते हैं कि एसी को जब हमने रात को ऑपरेट करना होता है तो उसमें लाइट नहीं, इसमें जो है लाइट भी प्रॉपर दी हुई है, ये जो कि एक प्लस पॉइंट है। जी तो व्यूअर्स, इसके आउटडोर की तरफ चलते हैं। इसका आउटडोर जो है एक कम्पैक्ट साइज में है, जो कि ना ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है, और छोटा होने के बावजूद कंपनी ने इसको डबल लेयर कंडेंसर में दिया हुआ है कि अगर आपका टेम्परेचर 50 अबव भी जाता है तो एसी की वर्किंग जो है सेम रहेगी, वर्किंग नहीं छोड़ेगी। जी तो व्यूअर्स, हाइसेंस का एसी प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ है इन्वर्टर एक्सपर्ट। ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो कि दूसरे ब्रांड्स को, कुछ ब्रांड पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जिनको ये प्रॉपर एसी बना के देता है, वो जस्ट अपनी स्टैंप लगा के भेजते हैं। जो हाइसेंस है ये एक इन्वर्टर एक्सपर्ट ब्रांड है, जो कि क्वालिटी में अपनी एनर्जी सेविंग के हवाले से सबसे आगे और ऊपर है। इसी तरह ही इसकी बात की जाए कि जो इसके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हैं, जो इसको तैयार कर रहे हैं, वो इसके सीईओ साहब जो हैं, जो इमरान गनी साहब हैं, पाकिस्तान के टॉप 5 इंटरप्रेन्योर में शामिल होते हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे जदीद चीजें लाने में सबसे अच्छे और पहले नंबर पे हैं। जी तो व्यूवर्स, इसकी इनपुट पावर की बात की जाए, रिलेटेड पावर की बात की जाए, तो वो आप देख ही सकते हैं इसके आउटडोर पे प्रॉपर मेंशन है। जरा करीब से लाएं दिखाएं। इसकी क्लाइमेट टाइप जो है वो T1 है। इसके अलावा नेट वेट इसका 38 kg है। इसके अलावा जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो इसकी कूलिंग पावर इनपुट है, वो सिर्फ और सिर्फ 1500 वाट है। यही जो दूसरे ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, उनकी इनपुट पावर 1800 से 2000 या 2200 वाट है। इसकी 1500 वाट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर 1500 वाट इसकी जो रिलेटेड इनपुट पावर है, जो इसको 75% तक हाईली एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। ये एसी जो है आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं, जस्ट एक एम्पेयर पे चलेगा, सिर्फ एक एम्पेयर पे। बाकी इसकी बात की जाए, इसमें जो गैस है वो R32 है, जो कि एक तो वजन में भी बिल्कुल हल्की है और परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी गैस है, जो क्वालिटी को इसकी मजीद बेहतर बना देती है। R32 गैस जो है वो एक इको फ्रेंडली गैस है, कि मोस्टली कस्टमर्स को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि एसी लोग लगवा लेते हैं, फिर उनका बाद में नाक बंद करना या गला खुश्क हो जाता है। ये जो R32 गैस है ये इको फ्रेंडली गैस होती है, इसमें ये वाला चक्कर नहीं होता। फिर इसकी कूलिंग बड़ी फास्ट होती है, कूलिंग इसकी सही चिल करने वाली है, दीवारें तक आपकी जो हाइसेंस का 75% ओनली कूल एसी है, आपकी दीवारें तक ठंडी कर देगा। लाइट जाने के बाद भी इसकी कूलिंग वैसे ही मेंटेन रहेगी, ये नहीं होगा कि फौरी घुमा होगा इसमें, ये नहीं होगा। इसके अलावा व्यूअर्स, इसके इंडोर की तरफ चलते हैं तो इसके फीचर्स बता दूं, जो कि ओरिजिनल 75% तक बिजली की सेविंग करता है। इसकी लुकिंग की बात की जाए तो ये बोर्ड सीरीज का एसी जो है
एज थोड़ी सी इसकी लुकिंग दी हुई है, एड टाइप दी हुई है, जिसमें इसका जो ब्लोर है वो बड़ा लगा हुआ है, जिसकी कूलिंग बड़ी फास्ट है। आप तकरीबन 20 से 22 फीट तक स्ट्रेट इसकी थ्रो होगी। ये हमारा पर्सनली इसमें जो है कि ये हमने देखा हुआ है कि ऐसी 20 से 25 फीट तक इसकी थ्रो है जी। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं, इसी तरह ही इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है पावरफुल एंड साइलेंट एयर फ्लो। जी तो व्यूवर्स कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो चलते हैं लेकिन उनका शोर बहुत ज्यादा होता है, जो रात के टाइम आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसका एयर फ्लो भी बिल्कुल थोड़ा है। और R32 इन्होंने बार बार मेंशन किया है, ये नई गैस है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक दो ब्रांड है, और इसके अलावा हाईसेंस दे रहा है। इसके अलावा डाइकन में ये गैस थी और हाईसेंस में ये प्रॉपर आ रही है। जी तो व्यूअर्स इसमें एक सुपर कूलिंग का भी ऑप्शन है, जस्ट लाइक जैसे टर्बो है कि आप एसी की फास्ट कूलिंग भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो एसी है 135 वोल्ट तक अगर आपकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, बिजली कम हो जाती है, तो 135 वोल्ट तक लो वोल्टेज पे भी एसी चलता रहेगा। जी तो व्यूअर्स इसके कंडेंसर की बात की जाए तो कंडेंसर आजकल के महंगाई के दौर में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि सिल्वर में देते हैं, लेकिन जो हाई सेंस है, जो ट्राई एंजल्स ग्रुप है, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इसको प्रॉपर, वो भी कॉपर पाइपिंग विद ब्लू फिन्स, और ब्लू फिन्स के ऊपर इन्होंने प्रॉपर जो है ना वो दिया हुआ है लैकर कोटिंग, जो कि आमतौर पे एक दो साल बाद एसी आपका लीकेज हो जाता है। कुछ इलाके जो है जहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है उधर ये हो जाता है कि एसी में लीकी 2-4-5 साल बाद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ट्राई एंजल ग्रुप ने ये जो कमाल किया है कि इसमें लैकर कोटिंग कर दी है कि जिधर आम एसी की लाइफ 5 साल है, इसकी लाइफ 15 साल तक बढ़ा दी है। जी तो व्यूवर्स लैकर कोटिंग का ये जो है ना मेन फायदा ये है कि इसकी आपकी जो है ना कंडेंसर की लीकेज नहीं होगी, उसको जंग नहीं लगेगा, इसमें ये फायदा। जी तो व्यूवर्स इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात की जाए तो वो बहुत ही कमाल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी आप वीडियो में ऊपर देख सकते हैं कि जस्ट एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने रिव्यू प्रॉपर बना के दिया हुआ है कि जस्ट एसी एक एम्पीयर पे चल रहा है। ये मैं हूँ, ये हमारा हाईसेंस का एसी है और ये एक एम्पीयर पे आया हुआ है। आपने वीडियो देखी नहीं, ये इसके रियल एम्पेयर थे जो कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी जाहिर होती है कि ये बिजली की ओरिजिनल सेविंग देते हैं। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने 80% 85% तक भी बिजली की सेविंग जस्ट स्टिकर लगा के दे दी हुई है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी लिखा हुआ है कि एसी 2.5 एम्पेयर पे आए। लेकिन आपने हाईसेंस का एसी देख ही लिया है कि 2. सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पेयर पे आएगा। कस्टमर चीज परचेज करते हुए ये थोड़ा सा लालच कर जाता है कि वो एसी 10-20 हजार सस्ता है, लेकिन दोस्तों ये आपका फायदा ही है कि आप चीज को थोड़ा सा देख के लें, उसकी सेविंग रियल सेविंग देखें। और जैसा कि ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, इन्होंने फेक चीज कुछ भी नहीं लिखनी होती, ये ओरिजिनल 100% डीसी इन्वर्टर एसी है। अगर आपका आप कोई भी दूसरे ब्रांड का इन्वर्टर एसी लगाते हैं, लेट्स सपोज एक मिसाल देता हूं कि अगर आपको उसका इन्वर्टर का बिल 10,000 आ रहा है, तो अगर ये आप हाईसेंस का एसी लेंगे तो इसका बिल आपको सिर्फ 6,000 आएगा। सिर्फ एक एसी के एक मंथ के बिल में आपको 4,000 रुपया फायदा होगा। यही आपके एसी अगर घर में 3-4 या 5 लगे हो तो आपको 25-30,000 रुपए तक बिग सेविंग होगी। यही दोस्तों व्यूअर्स, आप चीजें खरीदने से पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लें, पढ़ लिया करें ताकि आपका फायदा हो जाए। जस्ट ब्राय नाम लिखा हुआ इन्वर्टर एसी ना ले जाएं, उसका फीचर्स भी आप देखें और उसकी रियल इलेक्ट्रिसिटी भी देख कंजप्शन भी देखें कि कितनी है। जी तो व्यूवर्स ये आज हाईसेंस का एक्सपर्ट रिव्यू था जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। तो इसी तरह ही हमारी भी एक गुजारिश है हाईसेंस के सीईओ साहब से कि वो इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट क्वालिटी में बेस्ट और हाईली एनर्जी एफिशिएंट दे। इसी तरह इसकी जो एलईडी है वो भी दूसरे ब्रांड से डिफरेंट और अच्छी है।
जी तो व्यूअर्स, एक चीज आप करना भूल गए, वो है नीचे सब्सक्राइब का बटन, उसको प्लीज दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करके हमें बता दें। हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।